बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम खबरदस्त में हमने एक ज़बरदस्त शख्सियत को मदऊ किया है। अगरचे हमने उनको बड़े मिन्नत समाजिद के साथ बुलाया है, और ये शख्सियत हैं चाचा मुस्लिम लीगी। चाचा मुस्लिम लीगी वो शख्सियत हैं जिनके दम से मुस्लिम लीग के जलसों को रौनक बख्शी जाती है। चाचा मुस्लिम लीगी कितने अरसे से मुस्लिम लीग के साथ जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं या अपनी खिदमात उनको वक्त किए हुए हैं, इस हवाले से उन्हीं से बात करेंगे। तो चाचा मुस्लिम लीगी जो है मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम चाचा जी, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, बड़ी खिदमात हैं मुस्लिम लीग नून के लिए आपकी, और कितना अरसा हो गया आपको मुस्लिम लीग के साथ ये धमाल वगैरह या उनके जलसों को रौनक बख्शते हुए? ये देखे जी, जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब, वो आपको पता ना मेरे लीडर हैं। तो जब फिर वो वजीरे खजाना हुआ करते थे, तो वो मेरा जवानी का दौर था। तो उस वक्त जब वो वजीरे खजाना बन के गढ़ तशरीफ लाए थे ना, तो फिर मैंने पहली मरतबा उनके आगे जो है ना वो धमाल डाली थी। धमाल समझते हैं ना, नाच गाना जो होता है, धमाल का, लाहौरियों का धमाल का, अपने पंजाब का कल्चर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर वो जब वो वजीरे आला बन गए, तो फिर हमने धमाल की खीड़ी कर दी। उस वक्त तो आपको पता है टी वी शी भी नहीं होता था, तो फिर यूट्यूब भी नहीं होते थे। फिर हम धमाल डाल डाल के फिर हम खुद ही खुश होते रहते थे। तो यकीन माने कि फिर उस वक्त जब मैंने धमाल डाल दी ना, तो जो मियां शरीफ साहब थे, उनके जो वालद थे, वो इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने ना मुझे बड़ी बिरयानी भी खिलाई और फिर छिड़ी पाई भी खिलाई। और उसके बाद जब 1988 हुआ है, अब वो वजीरे आला दोबारा बड़े हैं, तो उनकी गाड़ी के आगे नाच नाच के ना, आप यकीन करें मेरे पाँव में मोच आ गई। और हमारे दो साथी तो खुशी से बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उन्होंने तो बिल्कुल वो ऐसी धमाल डाल। अच्छा। हाँ हाँ। तो फिर जब अब आपने लंबा सवाल कर दिया है, तो मैंने उसका मुख्तसर सवाल किया है, लंबा जवाब दूंगा। तो 1990 में जब वो दोबारा बने ना अपना, जब पहली मरतबा वो वजीर आजम बने हैं, तो उस वक्त तक मेरा पाँव ठीक हो गया था। दो साल में ठीक हो जाता है। तो फिर हमें दो लाहौर में मैंने अलग धमाल डाली, और फिर जो इस्लामाबाद में ना वो अलग से धमाल डाली थी। तो जितने दिन मियाँ साहब इधर इस्लामाबाद में होते थे, तो आप इस्लामाबाद में धमाल डालते थे, फिर जब वो लाहौर चले जाते थे, तो लाहौर में ये अपना फरीजा सर अंजाम देते थे। क्योंकि हमारी जो है वो ड्यूटी यही थी कि आपने धमाल डालनी है और मियाँ साहब को खुश करना है। और मियाँ साहब को पता कि बड़ा खुश होते हैं धमाल डालने से, और तारीफ अपनी छोड़ कर ना बड़ा ही खुश होते हैं। तो मेरी धमाल को भी अपनी तारीफ ही समझते थे। तो जब वो जब इस्लामाबाद से लाहौर आते, तो फिर हम उनकी गाड़ी को बोसा देते थे। बोसा समझते हैं ना, चुम्मा जिसको बोलते हैं, अकीदत का इजहार। हाँ, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अकीदत होती थी। तो फिर धमाल टालने के लिए ना, फिर मैं हर हफ्ते तैयारी भी किया करता था, बाकायदा तैयारी की दरअसल होती थी, बाकायदा कि मियाँ साहब ने आना है। और फिर जब हुई ना अपना ये जो मोहतरमा बेंजर भुट्टो इक्तदार में आ गई 1993 में, 93 में ना, तो फिर तकरीबन कोई 3 साल हमारी धमाल है वो बंद रही है। तो इसका आपका वजन भी बढ़ गया होगा फिर? हाँ, फिर नहीं, वजन इस वजह से बढ़ गया कि हम धमाल ना डालने के बावजूद जो हमारी धमाली खिदमात थी ना, उसके एतराफ में हमें फिर रायबंड में ना सीढ़ी पाई और बिरयानी मिलती रहती थी। तो फिर हम उस वजह से थोड़ा सा वजन बढ़ गया था, यानी धमाल के बगैर ही। जब धमाल के बगैर ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत दोबारा आ जानी है, उस वक्त तक आप अपने आप को फिट रखें। तो फिर वजन बढ़ गया था, आपकी बात ठीक है। अच्छा, फिर वही हुआ, फिर 1997 आ गया। तो फिर जब मियां नवाज़ मुंतखब हुए हैं वजीर आजम दूसरी मरतबा, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्ला बोला था, आपको पता है ना। जी जी, बड़ा तारीखी वाक़या। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर हमारा ग्रुप जो था, उसको बोला गया आपने धमाल नहीं डालनी, आपने लोगों को ललकारना भी है। तो फिर अच्छा। ललकारा भी मारा, आपको पता कीमे वाले नान भी, फिर बिरयानी और छड़ी पाए का छाछ चावल हो गए। वो पंजाब हाउस से जब आप लोग खा पी के वहां पे गए। अच्छा, वो जो सुप्रीम कोर्ट के गेट पे धमाल डाल रहे थे लोग, और वो अपने पे चादरें लहरा रहे थे, वो लोग आप थे वो? जी जी, बिल्कुल, वो हम हमारे लोग थे, बिल्कुल हमारे लोग थे। अभी तो चूंकि हमें सजाएं सुजाए हो चुकी है, कुछ माफी हो चुकी है, माफीनामा तो फिर। लेकिन चाचा जी, आपको तो नहीं हुई थी, आपका तो फिर आप किसी को पता नहीं चल, वो तो हुई थी चौधरी तनवीर को, तारक अजीज को, सजाएं किसी और को, नाचे कोई और, धमालें किसी और ने डाली, और ललकारे किसी और ने मारे। असल में वजह यह थे कि सुप्रीम कोर्ट वाले जो थे ना, हमारे मोहतरम जो जज थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि इधर धमाल डालने की कोई सजा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उससे की कोई नहीं, कानून में है ही नहीं कि अगर कोई बंदा धमाल डालता है तो उसको कैसे पकड़ेंगे। तो उस वजह से फिर वो हम मेरी खुलासी हो गई थी। अच्छा चाचा, मैं वैसे भी निकल गया था ना जरा। एक तरफ हम देखते हैं कि आपको दो शहरों में धमाल डालना पड़ी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए मियां नवाज शरीफ साहब, यानी लाहौर में भी इस्लामाबाद भी, लेकिन जब वो इक्तदार से दूर हो गए, मिसाल के तौर पे जब परवेज मुशर्रफ साहब इक्तदार में आ गए, तो 8 साल इक्तदार में, तो फिर तो आपका, मैं कह रहा हूँ, आप फूल के कुप्पा हो गए होंगे, चूँकि आपने धमाल ही नहीं डाली। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
कुप्पा तो नहीं हुआ था, लेकिन जो फूल की तरह जो सूरजमुखी का फूल नहीं जैसे फैलता उस तरह मैं जरा फैल गया था। तो फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की है। अच्छा। और फिर उस वक्त जब 1999 हुआ है तो मुख्त मुशर्रफ साहब आ गए, तो आपको पता है उन्होंने फिर रायबंडो उधर उधर पाबंदियां शुबंदियां मॉडल टाउन पे भी कब्जा शब्जा कर लिया। तो फिर वो उस कुप्पा होने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी तो वो छिड़ी पाई और रोटी बंद हो गई। तो फिर खुद ब खुद ही फिर मैं जो दबा आपके सामने बैठा हूँ, तो वो फिर रोटी जो कि बंद हो गई थी, फिर तमाल भी बंद हो गई। तो फिर उस वजह से ना 7-8 साल फिर हमें तकरीबन ऐसा दौर भी देखना पड़ा कि यकीन माना कि फिर मेरे मुंडों की शादी हुई है, तो उनके भी मैंने शादी पे तमाल नहीं डाली। मेरा दिल नहीं करता था, मैंने कहा जब मेरा लीडर इस मुल्क में नहीं है या जेल में है या सऊदी अरब में है, तो फिर मैं यहाँ पे तमाल डाल के क्या करूँगा। फिर मैंने अपने मुंडों की शादी पे भी तमाल नहीं डाली थी। फिर 2007 में आपने दोबारा इस धमाल का आगाज किया? नहीं, उससे पहले ना कुछ आपको पता है ना, वो सर मियाँ साहब ने जबरदस्ती आने की कोशिश की थी ना, तो फिर उसके जहाज को वापस भेज दिया था। हथकड़ी भी लगाई थी मियाँ साहब को, मुझे पता है, मैंने टीवी पे देखा। तो फिर उनके जहाज को वापस, तो फिर तो मैंने कहा चलो रिहर्सल कर लेते हैं। तो मैंने रिहर्सल की है, तो वो मुझे पकड़ के ले गए हैं वो उनके वो जो दोस्त थे मुछड़ा छाप के। तो उन्होंने कहा जी आप अभी 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 आपकी तमाल का टाइम नहीं आया। यकीन माने आप, उन्होंने ना मुझे बड़ा पेशकश की थी कि आप हमारे लिए तमाल डालिए, मुशरफ साहब के लिए। मैंने कहा नहीं, तमाल सिर्फ मियाँ छाप के लिए डाली जाए। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा चाचा जी, देखने में ये आया कि लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, आपका ये खास बात है कि मियाँ साहब हो तो आप धमाल डालते हैं, इसकी क्या वजह है कि सिर्फ मियाँ साहब के आगे नाचने को आपका दिल करता है? ये बड़ी अहम बात है। वो सच्ची बात यह है ना कि जो मियाँ नवाज शरीफ के सामने नाचने का दाद मिलती है ना, और फिर जो मियाँ साहब के चेहरे पर लाली आती है मेरी धमाल देख के, और फिर जिस तरह वो ना नन्हे से छोटे जो मुंडे की तरह मुस्कुराते हैं ना, वो गोलू मोटोलू छो उनका मुँह है, तो यकीन माने मुझे भी बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा, तो फिर देखना फिर बिरयानी और पाए खाने का जो मजा है वो उनके साथ होता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। तो उस वजह से ना वो फिर सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो फिर मेरा दिल नहीं करता, मैंने कहा ये जो गोलू मोटोलू सा बंदा है हंसता भी है, हछड़ी पाए भी ठीक कराता है, और ये चचका बिल्कुल यकीन माने ऐसा ही है कि जैसे ना आप, मैं मिसाल दूँ ना, ये मेरे ये याद आ रहा है ट्रक ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों का होटल होता है ना, वो होटल पे खाना जिसको हम ट्रक होटल बोलते हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो मर्जी का खाना खा के उनको बड़ा मज़ा आता है, तो सिर्फ उनको वहीं पर मज़ा आता है। तो इसी तरह मुस्लिम लीग के नून के जलसों में मुझे नाचने का जो ठरक है ना, वो ऐसा ही है जैसे कि पीटीआई के जलसों में सिर्फ ठरकी जाते हैं। हाँ। तो मेरा जो ठरक है वो मुस्लिम लीग नून पे है, लेकिन मैं ठरकी नहीं हूँ। ठरकी वाला वो काम नहीं है मेरा, वो नहीं है। नहीं, ठरकी होते तो अब तक पीटीआई में होते। हाँ बिल्कुल, मैं पीटीआई में होता, नाले इस उम्र में मैंने ठरकी बन के क्या करना, आपको पता ही है। नहीं, इस उम्र में तो बाबा जी वैसे ज्यादा ये नहीं, मैं ठरकी भी अगर बनूंगा तो फिर मैं नूली के लिए अपने लीडर के लिए बनूंगा, मैं इनके लिए नहीं बन सकता। अच्छा बाबा जी, इनकी जमात में पहले बहुत बड़े ठरकी मौजूद है। बाबा जी ये बताइए, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने धमाल डाली और फिर आपको बिरयानी और सिरी पाए ना मिले हो, ऐसा भी हुआ है कभी? आप ये हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, आपने सवाल किया है, कभी कभी हो जाता है, बल्कि ज्यादा लंबी बात नहीं है, क्योंकि तो अब उम्र का तकाजा भी ऐसा है। गुज़श्ता दिनों ना एक रायबंड में धमाल बड़ी डाली मैंने, तो एक नौकड़ ने आकड़े हमें बताया कि मैं धमाल डाली जा रहा हूँ। तो नौकड़ ने बताया कि आज धमाल डालने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं क्यों? उसने बोला आज आपको बिरयानी और छड़ी पाए नहीं मिलने। मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा आज जो साड़ा खाना ना वो नैब के दफ्तर में जा रहा है। अच्छा, तो शबाज शरीफ साहब उधर आर्डर आ गया है, हमला शबाज का भी उधर आर्डर है, तो नैब के जो अफसरान हैं उनको खाना जो है ना वो आज साड़ी छड़ी पाए और साड़ी जो बिरयानी है वो उधर जाएगी। तो आज फिर हुआ, फिर जब एक मरतबा ऐसा हुआ ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, तो हमने मिठाई बांट दी थी। हाँ, तो बीबी मरियम ने मिठाई तकसीम की, तो बाद में हमें पता चला कि फैसला तो हमारे खिलाफ है। तो फिर हमें अभी हम उन्होंने कहा जी कि आप उस वक्त तक आपने तमाल नहीं डाल ली जब तक आप जो है ना वो वकील आपको बता ना दे। यानी सुप्रीम कोर्ट से वकील पूरा फैसला पढ़ के बताता है तो फिर आप तमाल डाल। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है, और जब तक वो ना हो तो फिर हमारी तमाल का कोई फायदा नहीं है। देखना हमने तो नून लीग के लिए डालनी है, भड़कड़ लोग हैं। अच्छा बाबा जी, मैं वैसे ये पर्सनल सवाल है, जवाब तो आप दे चुके, लेकिन मैं फिर भी आपने मुझे चाचा बोला था, मुझे आप बाबा ने तो माजरत, मेरे बाल काले हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, तो आप चाचा ही बोल रहे चाचा, बीच में रखे मुझे। इस कौम के पास दो ही चाचे, एक चाचा क्रिकेट और एक चाचा मुस्लिम। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपने कभी ये नहीं ट्राई की, क्योंकि इमरान खान के पास भी बड़ी वैरायटी आता है, लाइसा खिलवी इब्रारुल हक, और उसके बाद जुनून ग्रुप वाले भी उनके पास हैं, और कुछ अड़े थोड़े भी आ जाते हैं उनके पास,
آپ عمران خان کے جلسوں میں کیوں نہیں یہ ناچتے؟ دیکھنا عمران خان تو خود کنجوس آدمی ہے, اس کے پاس کوئی بندہ چلا جائے تو اگر چائے پی رہا ہو نا تو وہ آپ کو سلاح بھی نہیں مارتا, خود چائے بھی پی لیتا ہے اور ناشتہ بھی کر لیتا ہے. تو اس کے جلسوں میں جائیں گے تو میں نے بھوکا مرنا ہے, لوڑی بندہ ہو اور بھوکا رہ چکا. یہ بات تو ماشاء اللہ 30 سال سے آپ کے تو منہ کو صحیح پائے لگے. آپ کا تو کارڈ دیکھے نا تو میں تو آدھا گھنٹہ نہیں بھوکا رہ سکتا. تو پھر میں نے کہا کہ گھر سے روٹی لے کر جانے پڑے اور عمران خان کے جلسے میں جب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. اور پھر عمران خان کے جلسوں میں تو تنظیم سازی کے بھی بڑے موقع ہوتے ہیں, تو وہ پھر تنظیم سازی میں تو نہیں کر سکتا. تنظیم سازی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہاں تنظیم سازی تو گھر گھر جا کے ہوتی ہے. وہ تنظیم سازی سے مراد وہ جو پچھلے دنوں طلال چودھری نے کی تھی. اور جہاں تک نا ویسے بھی جو آپ نے ابرار الحق کی اور ادھر ادھر کی بات کی ہے, اس میں نون کا جو فنکار ہے وہ تو عرف لواڑ ہے. نہیں نہیں اس میں تو کوئی, جب وہ چمٹا بجاتا ہے اور اس کے بعد مٹول والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے تمہار ڈالنے کا. پھر تو چاچا میری جو رنگ رنگ اور انگ انگ ہے وہ پھر سارے کا سارا جو ہے نا وہ پھر عرف لواڑ کے چمٹے کے ساتھ ہی چلتا ہے اور اس کے ٹول کی جو تھاپ ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے. عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی ہے وہ ان کے پاس ہے, اس کے گانوں پہ ردم ہی نہیں بنتا. تو یقین مانے تو اس پر زمین پر جب وہ پاؤں مارنے کی بجائے نا پھر تمال ڈالنے کی بجائے سینے پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. ایسے ایسے یہ تو بات, بڑھونے کو بھی دل کرتا. تو بابا جی ہمیں چاچا جی اب جو ہے نا وہ رو تو نہیں سکتے, تو تمال کا تو تمال تو خوشی کا ہے. تا اللہ ایسا خالی ہے کہ گانے واقعی درد بھرے ہوتے ہیں, درد بڑے ہوتے ہیں. تو میں نے درد کر کے میاں صاحب پہلے پریشان لندن بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر سے میں درد بڑی تمال ڈالوں وہ بھی تا اللہ کے گانوں پہ, تو میاں صاحب جو مجھے بریانی اور چھڑی پائے دیتے ہیں وہ بھی میرے بند ہو جائیں. نہیں بالکل درست کہا آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اب بیرون ملک ہیں, شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اور مریم بی بی جو ہیں وہ بھی مصروف رہتی ہیں جلسے وغیرہ میں, آپ کی یہ کھانے پینے کے کون خیال رکھتا ہے؟ در حقیقت نا یہ میں نے در حقیقت بڑا لفظ بول دیا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کا مجھے مطلب تو نہیں پتا, لیکن ایک دوست نے بولا تھا تو میں نے بھی در حقیقت بول دیا. بنا مسلم لیگ نون میں امیر لوگ بھی ہیں تو وہ پھر ان میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ بریانی لائے گا اور کون چھڑی پائی لائے گا. اچھا. اور تو اس لیے بعض اوقات تو مریم بی بی کو بتائے بغیر ہی وہ چھڑی پائی لے آتے ہیں. اور یقین مانے کیمرہ تو نہیں چل رہا نا. نہیں نہیں کیمرے پہ بٹھایا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیمرے پہ بٹھایا, ہاں کیمرہ آن ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھر ہمیں نقدی بھی دے جائیں. نہیں وہ دے, وہ تو حق بنتا ہے آپ کا. رکھنا بابا چاچا جی اب دھمال ڈال دیتے ہیں. اچھا چاچا جی آپ اتنے عرصے سے یہ جو دھمال ڈال رہے ہیں, آپ ان کے سرکاری ملازم ہیں یا رائے ونڈ کے پے رول پہ ہیں یا صرف ناچو اور کھاؤ اور گھر جاؤ والے صورتحال؟ نہیں نہیں میری عقیدت ہے, میں ان کا پے پور رول پہ نہیں ہوں, میں ان کے بریانی اور چھڑی پائے رول پہ ہوں. اچھا اچھا, یہ دیکھو سیدھی بات, پھر میری عقیدت ہے. اور پھر جو چما چاٹا میاں صاحب کی گاڑی کو کرنے کا آتا وہ تو نہیں آتا, وہ میں ایسے سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میں میاں صاحب کا بوسہ لے رہا ہوں, ان کی گاڑی کے بونٹ کا بوسہ لے لیا اور میاں صاحب کا لے لیا, ایک ہی بات ہے. تو اس وجہ سے بھی نا اب ایک مرتبہ میری ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ آپ نے نا جب یہ میاں صاحب نے نہیں جب کہا کہ یہ ریلی جو مجھے کیوں نکالا, تو پھر میری ڈیوٹی مجھے اسپیشلی بلایا گیا, ہیلی کاپٹر پہ بلایا میاں صاحب. اچھا نے کہا چاچا جی کو بلانا ہے ہیلی کاپٹر پہ, ہیلی کاپٹر پہ ساتھ میرے بڑیانی بھی تھی چھڑی پائے بھی تھے اور ہیلی کاپٹر آ کر اترا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے بولا جی آپ نے 0 پوائنٹ سے فیض آباد تک میاں صاحب کی گاڑی کو بار بار چومنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ اچھا میں نے کہا جی اس سے زیادہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے بھی تمہار ڈالتے ہوئے کرنا ہے. تو پھر میں ساتھ ساتھ تمہار ڈالتا جا رہا تھا, ساتھ ساتھ پھر میں گاڑی کو ایسے ایسے چوما چٹا کرتا جا رہا تھا. تو پھر تقریباً 50 بار میں نے میاں صاحب کی گاڑی کے بونٹ کو چوما ہے. میری نظر ویسے اسی ہو گئے چاچا جی آپ اور میاں صاحب کے, یقین مانے آگے ناچتے ناچتے میرے تمام جو بال ہیں نا وہ سفید ہو گئے. تو ابھی تو میں کالا کولا لگاتا ہوں, تو پھر تھوڑا سا داڑھی آپ میری دیکھ لیں تو سفید ہے, لیکن یہ بال تو میں کالا کولا کر لیتا ہوں تاکہ میں خود کو جو ہے نا وہ جوان ہوں. باقی ساری زندگی بھی میاں صاحب کے ساتھ ہی ہے یقین مانے, وہ اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں. آج کل تو پھر آپ کے دماغ پھر زنگ لگا ہوا ہے نا, کیونکہ میاں صاحب ملک میں نہیں ہے, باقی قیادت جو ہے وہ یا جلسے کر رہی ہے یا جیل میں پڑی ہوئی ہے, تو پھر دھمال آج کل تو کوئی بات نہیں ہے. جب جلد وہ آ جائیں گے واپس لندن سے علاج کرا کے تو پھر آ جائیں گے. آج کل نا تھوڑا سا میں ریہرسل کر لیتا ہوں. اچھا مریم بی بی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو جب وہ ہوتی ہے نا رائے بنڈ میں تو پھر میں چلا جاتا ہوں. تو کبھی کبھی جب ان کا موڈ اچھا ہونا پھر وہ کہتی ہے چاچا مسلم لیگ کو بلاؤ. تو پھر وہ مجھے کہتی ہے کہ ابا جی کے سامنے جو آپ دھمال کا سب سے بہترین اسٹیپ کرتے تھے نا وہ مجھے آپ کر کے دکھائیں.
तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो एक मरतबा मैंने ना वो स्टेप करते करते मेरा चुमा लेने को दिल किया, तो वो फिर उन्हें कहा नहीं चुमी नहीं लेनी आपने, हमारे तो लीडर है तो उस वजह से। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि जब मियां साहब सामने होते थे तो गाड़ी होती थी, फिर बोनट के तो फिर वो बोसा हो जाता था, तो मुझे बंदा फिर अपने अंग में और रूह में हो तो फिर हो जाती है बात, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी चाचा जी, ये भी कहा जाता है कि ढोल की आवाज़ आपके कानों में पड़े तो आप पहले ये चेक करते हैं कि ढोल मुस्लिम लीग नून के झंडे के नीचे बज रहा है या वैसे बज रहा है, तो आपके पाँव खुद ब खुद थिरकना शुरू हो जाते हैं ना। जो जब ढोल बजता है ना तो उस ढोल वाले को, एक ढोल वाला भी खास है, उसको मेरे तमाल का पता है और उसको मेरे स्टेप का भी पता है। तो वो ढोल बाजा ढोल का जब वो पहला मारता ना, पहला टका मारता है, टका बोलते जब वो पहला टका मारता है ना, तो मेरा पैर जो है पैर ऐसे ऐसे करके खुद ही धड़कता है, पैर मेरा जो है ना थड़क थड़कता है, बल्कि थड़कता यानी ढोल की और आपके पाँव की ताल में। जब मेरा वो जब पैर थड़कता है ना, फिर मुझे जेन में फौरन तारे मेरी गड़गड़ करती हैं और बिजली की तरह मेरे जेन में आ जाता है कि ये तमाल डालनी है और ये नून लीग की तमाल है। ओके ओके, इस वजह से। अच्छा चाचा जी, मैं आखिरी सवाल करूँगा कि ये बताएं कि आप भी माशाल्लाह गंजे हो गए, तो मियाँ साहब भी गंजे, तो वो खरबपति हैं और अभी आप तक धमालें डाल के गुजारा कर रहे हैं, ये आपने कभी सोचा? कोई बात नहीं है, तो अल्लाह ताला की मर्जी है, उन्होंने तो बाल लगा लिए हैं, वैसे भी इतफाक में बरकत है, मैं बाल नहीं लगा सकता, वो तो इतफाक फाउंड्री मियां शरीफ साहब की मलकियत थी, तो हमारे बुजुर्ग तो आपको पता है कि फेड़ी लगा कर सौदा सलू बेचा करते थे। अच्छा अच्छा, तो किसी के नसीब में अब गाड़ी का सफर है, जहाज का सफर है, तो मेरे नसीब में गाड़ी के आगे नाचना है, चुमा चाटा करना है, तो कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्जी है, हम अल्लाह की मर्जी पर राजी हैं, अल्लाह जहाँ पे अल्लाह ताला ने दिया है बस ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, मियाँ साहब वापस आ जाए, हमारी तमाल ही हमारी जो है वो खुद ही लगा देंगे, मुझे पता है, बड़ा प्यार करते हैं, वो मुझे पता है, जब मैं उनको बोलूँगा ना कि अब तमाल डालने के लिए, अभी आपने मेरा इशारा मुझे बता दिया है कि बाल लगाना भी ज़रूरी है, तो यकीन माने वो लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अल्लाह की रजा है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपने हमारी जो है वो मोहब्बत का पास रखा, हमने आपको मदद की और आप चले आए। नाज़रीन, चाचा मुस्लिम लीग की बातें आपने सुनी, बहुत दिलचस्प बातें हैं, कोशिश हम करेंगे कि पीटीआई के भी किसी ऐसे ही कारकुन का जो है वो हम इंटरव्यू आपके सामने लाएं। पीटीआई की तारीख चूंकि इतनी ज़्यादा लंबी नहीं, उनके 22 साल हैं और 22 साल में जो उनके लोग साथ थे वो काफ़ी अब तब्दील हो गए, अब उनके साथ वो हैं जो इकतदार पसंद लोग होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनका भी ऐसा ही कोई कारकुन ढूँढें जिसे अताउल्लाह और अबरार लोग के गानों पर बहुत डांस का शौक़ हो। शमशाद मांगट को खबरदस्त से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।